सौ नहीं हजार देखेगी। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का हमारा जो ब्लॉग होने वाला है वो हम जाएंगे फोर लेन पे, उसको एक्सपोज करेंगे। पूरी अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हम ये जानेंगे कि कब तक जो है हमारा रोड जो है वो पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, तो कितना काम वहाँ का रह रहा है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, लेट्स गो। तो गाइज, यहाँ से हमने जो है वो टर्न लेना है, जो हमारा शिमला मनाली वाला फोर लेन है उस पर हमने जाना है। लेकिन उससे पहले जो है वो बाइक पे तेल वगैरह डलवा लेते हैं। यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे पेट्रोल भरवाएंगे, उसके बाद जो है वो सफ़र कंटिन्यू रखेंगे। तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप। आइए ना, पैसे पैसे आइए। तो गाइज, अपना तेल वगैरह हो गया, तेल वगैरह हमने डलवा लिया है। तो अब हम जाएंगे फोर लेन पे, जो हमारा शिमला से मनाली के लिए फोर लेन निकल रहा है उस पे जाएंगे। यहाँ से टर्न लेंगे तो यहाँ से जो है वो रोड बंद है तो बड़ी गाड़ियों के लिए, क्योंकि जो हमारा फोर लेन का फ्लाई ओवर वगैरह बन रहा है उसका काम चला हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ से जो है वो रोड बंद कर दिया हुआ है। तो छोटी गाड़ियों के लिए जैसे बाइक, साइकिल, स्कूटी वगैरह, उनके लिए यहाँ से थोड़ी सी जगह रखी हुई है, तो हम वहीं से जो है वो अंदर घुस जाएंगे। तो अगर बड़ी गाड़ी वालों को जाना होगा तो उनको पाया मंडी मांडवा होके जो है वो फोर लेन में निकलना पड़ेगा। यहाँ से जो है वो बड़ी गाड़ियों के लिए जो है वो रोड बिल्कुल बंद कर दिया हुआ है। की जाना भाई, स्वरघाट आगे तो हुआ पर नहीं है जरा फ्लाईओवर पुल नहीं बनी रहा। हाँ जी, तो जाने तेन जाने पैना, ये बंद आ, बंद आ भाई, बंद। तो फ्रेंड्स, जो भी मनाली से चंडीगढ़ वाले फोर लेन पे जाना चाहते हैं वो ध्यान से सुन ले, यहाँ से जो है वो दिन के समय जो है वो गाड़ियाँ जाने नहीं देते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो उसकी वजह से जो है वो यहाँ से जो है रोड ब्लॉक है, तो यहाँ से गाड़ियाँ जाने नहीं देते हैं। आपकी किस्मत ही अच्छी होगी अगर कोई आपको यहाँ से रास्ता खुला मिल जाए, आपको जाने दे। वैसे यहाँ से जो है वो मैक्सिमम टाइम जो है वो बंद होता है रास्ता। तो गाइज, अभी हम पहुंच गए हैं टनल नंबर 3 पे। तो ये आप पीछे देख सकते हो कि जो टनल नंबर 3 पे जो पेंटिंग वगैरह की हुई है वो कितनी शानदार है। तो जितने भी यहाँ पे टनलें बन रही हैं वो सब पे ऐसी ही पेंटिंग की जाएगी। तो आप देख रहे हो तो ये टनल का काम जो हो रहा है, तो ये जो पेंटिंग हो रही है ये अभी तो आधे में हुई है, जो हमारा आधा हिस्सा ये वाला बच गया है, इस पर भी पूरे के पूरे पे यही वाली पेंटिंग होगी, ऐसी ही पेंटिंग होगी। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी ऊपर हरियाली वगैरह और नीचे भोलेनाथ जी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो बाकी जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा।
डेट दूसरी है, उस पहले नज़र के रिपोर्ट है। ठीक है, छः दूसरी है। हाँ जी, हाँ जी। अभी कितना टाइम लगेगा भाई इसको? ये वैसे 10 दिन का काम बजा है इसमें, बस बाहर से शॉर्ट शार्ट हो रही है बस। अच्छा, मतलब कब तक चालू हो जाएगा पूरा? चालू वैसे रोड वगैरह बजे, ब्रिज ब्रुज का काम, टंडल तो होकर रोड है। अच्छा, टंडल का यही बाहर का काम बजा है इसमें, वो लुक वगैरह डलेगा इसमें, ब्रिज का काम बजा है, बाकी टंडल तो होकर रोड बीच थोड़ी बहुत देरी पूरी बची। ठीक है भाई, हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं, साइट इंजीनियर, तो उनसे बात करते हैं, जानते हैं उनसे कि कब तक ये चालू हो जाएगा, कितना जो काम है पेंडिंग है, तो आइए चलते हैं, जानते हैं उनसे। बोल पर मैक्सिमम टनल तैयार है, कावड़ा वाले काम में रुके, ब्रिज ब्रुज है ना। अच्छा अच्छा, करके टाइमिंग आ गई है, 1 जून बोला है, ऐसे चालू है टनल, कैंची मोड़ वाले भी चलती है, लाइटा लूट लगनी, इसका काम फिनिश है मैक्सिमम, काम नहीं है ज्यादा। ठीक है, बाकी ये रोड का है बचा ना जेड़ा कच्चा है। हाँ, ज्यादा जेड़ी गावड़ कंपनी ना, भारत कंस्ट्रक्शन का काम वो मैक्सिमम खत्म है, तो इस काम जेड़ा चलिया भाई दा टनल दा, वो रह गया वा लाइटा लूटा दा, फिनिशिंग रह गई वी, ढक्कन वगैरह लगने जेड़ी ड्रेन दे ढक्कन वो बचे, बाकी कुछ खास नहीं बचे। ठीक है, बाकी लाइटिंग वगैरह छोट की नहीं, क्योंकि पेंट वगैरह होना ना, इस करके छोट बच गई, ताकि फिनिश आ जाएगा कल, पेंट पूंट करने में आसानी रहेगा। बाकी ये डीजी कुछ अंदर वास्ते लाइटा वास्ते डीजी टूजी बैठना, पूरी बिल्डिंग तैयार हो गई, मतलब महीने भर च हो जाना है सारा तैयार है। महीने टनल का काम फिनिश है, ऑलमोस्ट हमारा फिनिश है। अच्छा ठीक है, हम वही ना भी महीने भर में हो जाएगा सारा, मतलब अभी के लिए तो फिलहाल बंद ही है सारा। नहीं, जान दे रही है, पर पता क्या चक्कर है, जिदा काम चल रहा है ना, कोई एक्सीडेंट होगा गड्डी बाजी नहीं बीच, तो वो थोड़ी कंपनी की कंपनसेशन, कंपनी कितने दे रही है, कंस्ट्रक्शन लाइन पर व्हीकल अलाउड नहीं, प्राइवेट सिर्फ कंपनी का व्हीकल चल रहा, उस करके सीन है कि काम बंद करती, क्योंकि अंदर डस्ट बहुत है, वर्कर काम कर रहे तो उन्होंने डस्ट नहीं होते, दिक्कत बड़ी है, इस करके फिलहाल बंद किया वा, मेन उही चलन दे रहे जेडे मतलब कंपनी के व्हीकल, ज़्यादा आउटसाइड के व्हीकल नहीं जान दे रहे, बिच बिच जान दे रहे थोड़े बहुत ज़्यादा नहीं। ठीक है, टनल चालू है, टनल की कोई दिक्कत नहीं, अगर जो काम चल रहा है गावड़ का, उन्हें काम बंद किया। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू भाई। हाँ जी भाई, ब्लॉगर, हाँ जी, ब्लॉगिंग चैनल है, जाओ फिर नेड़े जाके बनाना। दो भाई सर्चिंग कड़ी का, सर्चिंग कड़ी दो। यहाँ पे ना ये लिख दो, ये आ गया ना, हमारा मैं उन लोगों को जोड़ लिख, ये आ गया। ब्लॉगिंग चैनल है। तो गाइस अभी हम चलते हैं टनल के अंदर, मैं आपको अंदर से बताता हूँ कि कैसी तरह किस तरह से तैयार हुई है। तो ये आप देख ही सकते हो, यहाँ से जो है वो व्हीकल्स वगैरह आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से आना मतलब खुद की रिक्स पे है, जैसे कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पे जो भी है कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, तो अगर किसी गाड़ी को नुकसान हो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कंपनी की नहीं होती है, तो इसलिए अपनी रिस्क पे ही बंदा यहाँ से ट्रैवल कर सकता है। तो वैसे तो ओपन है, आ जा सकते हैं, बाकी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ जो टनल हमारी किस तरह की है।
तो गाइस ये जो टनल है ये काफी लंबी टनल है, कम से कम आधा एक किलोमीटर की टनल मेरे को लग रही है, आधा मीटर की तो है ही है ये। तो काफी काफी जो लंबी टनल है इसके अंदर धूल वगैरह बहुत है, तो थोड़ा सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि अभी कंस्ट्रक्शन पे है, तो गाड़ियाँ जा रही हैं तो उससे धूल बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये आप देख ही सकते हो कि अभी जो है वो कंस्ट्रक्शन पे है ये, मतलब भाई साहब तो बोल रहे थे कि जो था हमारा जो टनल का काम है वो पूरा हो गया है, बाकी जो रोड का वगैरह है, रोड क्योंकि अभी पीछे हमने देखा कि थोड़ा कच्चा है, तो उसका काम जो है वो अभी 10-12 दिनों में पूरा हो जाएगा। तो लमसम ये रख लो कि आप एक महीने में जो है वो पूरा के पूरा रोड जो है वो चालू हो जाएगा। तो गाइस अभी हम जो है वो टनल के अंदर हैं, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि कम से कम ये हमारी आधा मीटर जो है वो, आधा किलोमीटर जो है वो हमारी टनल है। तो अभी जो है वो इसका काम तो पूरा वैसे हो गया है, बाकी आगे जाके जो है था वो पुल वगैरह का, ब्रिज वगैरह का काम था जो वो पेंडिंग है, वो अभी कंस्ट्रक्शन पे है। तो अभी फ्रेंड्स मैं आपको लेके चलता हूँ जो हमारी एक नंबर टनल बन रही है कैंची मोड़ पे सुवार घाट पे, तो वहाँ पे लेके चलता हूँ मैं आपको, वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से जो है वो वैसे व्हीकल्स वगैरह आ जा रहे हैं, वो कोई परेशानी नहीं है, बट हाँ अपने रिक्स पे ही आना जाना होगा, बाकी कभी कभी आपको जो है वो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो है वो टनल वगैरह बंद करी होती है, तो उसकी वजह से आपको एक घंटा या दो घंटा या आधा घंटा या फिर 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी आपको वेट करना पड़ सकता है। और रास्ते में जो है लिंक रोड वगैरह निकाले हुए हैं, वो भी अभी कच्चे ही हैं, तो आपको पता ही है उसमें कीचड़ वगैरह बहुत जा रहा है, तो अपनी रिस्क पे ही है अगर आप वहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो बाकी ये रही हमारी एक नंबर टनल जो कि सुवार घाट और कैंची मोड़ पे बनाई गई है, तो ये भी ओपन ही है, तो यहाँ से भी मतलब क्रॉसिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।